हाय एवरीवन फ्रेंड्स, ये गाड़ी है हमारा मेगा एक्सल, ठीक है। और ये गाड़ी में फॉल्ट क्या है कि गाड़ी का रेडिएटर फैन नहीं चल रही है और गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो जा रही है। तो मैं गाड़ी आपको दिखा दे रहा हूँ। वैसे तो गाड़ी कोई भी हो, सबका फ़ैन का सिस्टम बस दो ही तरह से होता है, एक ECM से, एक उसका रिले से होता है मैनुअल टाइप में, जो पहले के टाइम में आता था। तो चलिए अब हम आपको गाड़ी को, इसका फ़ैन नहीं चल रहा है और मैंने क्या क्या चेक किया वो भी बताता हूँ, और आपको भी कैसे चेक करना है। दोस्तों, मैंने इसका जो जितना भी यहाँ पे फ्यूज़ है सभी को चेक कर लिया, और ख़ास करके मैंने फ़ैन का भी फ्यूज़ को भी चेक किया था, तो हमारा फ्यूज़ सही है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं हम गाड़ी स्टार्ट मारे हैं और स्टार्ट है हमारी गाड़ी, ठीक है। लेकिन जो हीट होने के बाद फ़ैन नहीं चल रही है, और जब मैंने कपलर खोल दिया फ़ैन का तो स्टार्ट गाड़ी में हमारा डायरेक्ट फ़ैन चलना चाहिए, लेकिन हमारा फ़ैन नहीं चल रही है, ठीक है। और जब इसका सेंसर का कपलर, जब हम कपलर गाड़ी से हटाएंगे, टेम्परेचर सेंसर से जब कपलर हटाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा फ़ैन चलना चाहिए। तो चलिए अब हम आ जाते हैं, वायरिंग चेक करेंगे। ये हमारा फ़ैन का रिले, और फ़ैन का रिले में आपको मैं बताता हूँ, इसमें चार वायर है, और कोई भी गाड़ी हो ऐसा ही सिस्टम होता है। तो देख लीजिए, इसमें चार वायर है, और चार वायर में सबसे पहले हम इसमें वोल्टेज आपको दिखाते हैं कि किसमें कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो जो एक वायर है उसमें, जो मोटा वायर है रेड कलर का, ठीक है, रेड कलर में कंटिन्यू जो है हमारा 12 वोल्ट आएगा। तो चलिए अब हम 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं, बॉडी से सटाते हैं, अब देखते हैं क्या हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। तो देख लीजिए, हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला जो मोटा वायर है, ये दूसरा वाला वायर हमारा रेडिएटर फ़ैन का है। तो अब हम डायरेक्ट रेडिएटर फ़ैन को चला कर देखते हैं। तो देख लीजिए कि अभी थोड़ा शॉर्ट किया था, यानी कि अभी हमारा रेडिएटर फ़ैन चल रहा है, पंखा चला रहा है, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट टाइप का लग रहा है आपको। और हमारा अभी डायरेक्ट करने पर रेडिएटर फ़ैन चल रही है, लेकिन सिस्टम से नहीं चल रही है। तो अगर कोई गाड़ी सिस्टम से नहीं चल रही है, डायरेक्ट चल रही है, इसी तरह से आपको चेक करना है। देख पा रहे हैं कि हमारा डायरेक्ट तो चल रही है, लेकिन गाड़ी हीट होने के बाद नहीं चल रही, तो उसको कैसे देखेंगे। तो देख पाए फ्रेंड्स कि ये हमारा जो है डायरेक्ट चल रही है फ़ैन। और तो अब हम क्या करेंगे, इस पर जो ECM से आया है लाइन, जो ECM से आया लाइन, उसको हम क्या करेंगे, इस पर चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हम लगा देते हैं इसको, उसके बाद अब हम सबसे पहले लैपटॉप पे देखते हैं कि कोड क्या आ रहा है। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मैनुअल कैसे देखना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारे पास तो लैपटॉप है, तो चलिए अब हम इसको देख पा रहे हैं, रेडिएटर फ़ैन का कोड आ रहा है, और कोड में देखिए क्या लिखा हुआ, फ़ैन रिले सेंसर। और चलिए अब हम एक्चुएशन टेस्ट करेंगे, और ये रहा फ़ैन, फ़ैन को लैपटॉप से ऑन करेंगे, एक्चुएशन टेस्ट करें। यहाँ पे हम ऑन पे क्लिक करते हैं, देख पा रहे हैं कि ECM एक्चुएटर स्टार्टेड, यानी कि ECM ने रिले को करंट भेज दिया है, लेकिन हमारा फ़ैन नहीं चला, ठीक है। और देख लीजिए आप, ये हमारा गाड़ी है और अभी तक हमारा फ़ैन नहीं चला। तो चलिए अब हम इसको दिखा रहे हैं आपको कि आपको कैसे चेक करना है। तो आपको क्या करना है, पंखे का दो, देख पा रहे गाड़ी अभी स्टार्ट है हमारा, तो इसका ECM से जो दो पतला पतला वायर आ रहा है उस पर आपको करंट देना है, लाइन देना है, और गाड़ी को पूरा हीट करना है, और देखना है कि क्या हीट होने के बाद हमारा लाइन आ रहा है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं हो तब देख लीजिए, ये जो हमारा सुई है ये बीच से हल्का आगे बढ़ेगा, तो जो ECM है, ECM कमांड दे देगा रिले को, अब रिले एक्टिवेट हो जाओ, अब लाइन देने का टाइम आ गया है, अब फैन चलाने का टाइम आ गया है। तो हमने देख पा रहे हैं, हमने पूरा एक्सीलेटर दे रखा है ताकि गाड़ी जल्दी हीट हो जाए, और उसको बल्ब को भी हमने उसी जगह पे फिट कर दिया है जो दो रिले में पतला पतला वायर आया हुआ है ECM से, ठीक है। तो आप जैसे ही देख पा रहे हैं कि ये बीच में हमारा आ चुका है कांटा, और अब हम देखेंगे कि क्या हमारा लाइट जल रही है। तो फाइनली देख पा रहे हैं कि ECM ने भी कमांड दे दिया है कि लाइट जलाने के लिए, तो डायरेक्ट भी फ़ैन चल रहा है और ECM ने कमांड भी दे दिया लाइट जलाने के लिए जब गाड़ी हीट हो गई। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा वायरिंग लाइन 100% ओके है,
ठीक है। और कभी भी कोई भी गाड़ी हो, सेम ही कंडीशन होता है, आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। और देख लीजिए, हमारा ECM ने भी लाइन दे दिया है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा क्या चीज़ ख़राब है। डायरेक्ट भी फैन चल रहा है, ECM ने भी लाइन कमांड दे दिया, तो हमारा इशू रिले में है। तो अब हम इस रिले को चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारा फ़ैन चल रही है। तो चलिए अभी हम इसको लगाते हैं इसमें, और लगाने के बाद फिर देखेंगे कि क्या कंडीशन है, हमारा फ़ैन चल रही या नहीं चल रही। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप भी सेम तरीके से देखिए, इसी तरह से फॉल्ट को डायग्नोस कीजिए। और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि फ़ैन रिले लगाने, दूसरी रिले लगाने के बाद चली या नहीं चली। तो फाइनली देख पा रहे फ्रेंड्स कि जो हमारा कांटा है वो क्या कंडीशन है। और आगे मैं फ़ैन नहीं दिखा सकता, वो अंदर रहता है, तो मैंने कपड़े का टुकड़ा आगे में रखा है, जब फ़ैन चलेगी तो ये सामने की तरफ खींच लेगी, तो इससे ये पता चल रहा है कि हाँ हमारा फ़ैन चल रहा है। ठीक है, तो देख पाया आपने हमने कैसे डायग्नोस किया, और लैपटॉप नहीं रहने के बाद भी आपको कैसे करना है डायग्नोस। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फाइनली देख पा रहे हैं कि हमारा जो कांटा है वो नीचे गिर गया और हमारा फ़ैन एकदम प्रॉपर तरीके से सही हो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।